सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि इस दीपावली पर आप चीन का कोई भी सामान ना खरीदें। आप सभी जानते हैं हमारे देश का कोई शत्रु है तो वो चाइना है, चीन है। दिन पे दिन हमारे भारत की भूमि पर कब्जा कर रहा चीन आज हमें चुनौती दे रहा है। इसीलिए आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप इस दीपावली पर चीन का कोई भी सामान ना खरीदें। आप सब जानते हैं कि चीन का सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान में है। अगर हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच सके। आप जो लोग आपको भगवान मानते हैं उनके पास से जाकर सामान लेकर आए। आप उन लोगों से सामान ले जो लोग फुटपाथ पर बैठे हुए आपको यानी ग्राहक को भगवान मानते हैं। उन गरीबों के पास जाएं दीपावली पर, जो गरीब दीपावली पर भी अपने बेटे को, अपने संतानों को भरपेट खाना नहीं खिला पाता है। इसीलिए हम बड़ा पिंडवाड़ा गांव के विद्यार्थी 11वीं 12वीं के कक्षा के छात्र इस बात को समझ चुके हैं कि चाइना का सामान खरीदना हमारे देश के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हो चुका है। खुद समझकर हम आप सभी को ये बात बताने आए हैं कि आप इस दीपावली पर चाइना का कोई भी सामान ना खरीदें। आप एक बार हमारे कहने से उस गरीब की आंखों में झांक कर देखें जो फुटपाथ पर बैठा बस यही देखता रहता है कि मेरे दिए कब बिकेंगे और कब मेरे पास पैसे आए ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। बम पटाखों और खुशियों और मिठाइयों की बात तो छोड़िए मित्रों, वो तो केवल दो वक्त की रोटी मांगते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप गरीब के घर से सामान लेकर आए, गरीब के घर से सामान खरीदे दीपावली पर। जिस कंपनी की आप लड़ी खरीदेंगे वो लड़ी वाली कंपनी आपको भगवान नहीं मानती है, लेकिन जो गरीब फुटपाथ पर बैठा है